हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए हम कश्मीरी दम आलू बनाना शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे बेबी पोटेटोस का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे दो व्हिसल बजा के पोटेटो को बॉईल कर किया है। आप दो से ज्यादा सीटी मत लगाएं दोस्तों। एक कप दही, दही हम फीका यूज करेंगे, दही हमें खट्टा बिल्कुल नहीं लेंगे हम। एक बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो कि फीकी होती है। एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हम हींग लेंगे। एक छोटा चम्मच जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1/4 कप दोस्तों मैंने यहाँ पे मगज से खरबूजे के बीज की पेस्ट ली हुई है। मैंने यहाँ पे एक टेबलस्पून खरबूजे के बीज को 2 घंटे पहले भिगाया था पानी में और फिर उसके पेस्ट बना के लिया हुआ है। 8 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में उसके बीज निकाल के फिर भिगो के लिया हुआ है। तेल हम लेंगे हमारे आलू को फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए हुए हैं, 2 दालचीनी, 4 क्लोव्स, 6 इलायची, 8 ब्लैक पेपर, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच सौंफ। तो आइए हम दम आलू बनाना शुरू करते हैं। आइए दोस्तों अब भीगे हुए मिर्च का हम पेस्ट बना के तैयार करते हैं। तो मिक्सी जार में उसे ग्राइंड करते हैं और हमारी पेस्ट बना के तैयार करते हैं। पेस्ट हमारी बनके तैयार है। आइए अब हम हमारे सारे खड़े मसाले हैं उसे हल्का सा भून लेते हैं। देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और मसालों को हम मिक्सी के जार में डाल के उसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। आइए दोस्तों अब आलू को हम फ्राई कर लेते हैं। आलू को हम फ्राई करने से पहले नाइफ की मदद से हम ऐसे जरा सा इसे मार कर देंगे। देखिए दोस्तों सारे आलू को हम इसी प्रकार से नाइफ की मदद से ऐसे निशान बना देंगे। तेल मैंने दोस्तों गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। आलू को फ्राई करने के लिए हम डाल देंगे और आलू को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और तेल में ही दोस्तों हम नमक डाल देंगे। अब आलू को हम हिला देते हैं और अब इसे गोल्डन होने तक फ्राई करने के लिए रख देते हैं। देखिए दोस्तों आलू को मैंने बीच बीच में हिलाया है, ये काफी हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं। अभी और थोड़ा डार्क गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आलू को दोस्तों मैंने 2 सीटी बजा के ही उसको पकाया है। अगर हम ज्यादा बॉईल करेंगे तो हमारे आलू है वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएंगे। देखिए आलू को मैंने चारों ओर से अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब हम आलू को निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया है। आए दोस्तों हमने वही पैन गैस पे चढ़ाया है और आलू को फ्राई करके जो बचा हुआ था वही तेल डाल के हमने गैस ऑन किया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हमने इसमें हमारे खरबूजे की पेस्ट डाली, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तैयार की हुई लाल मिर्च की पेस्ट डालेंगे, जिंजर पाउडर भी डाल देंगे और अच्छी तरह से हिला देंगे। हमारी हल्दी भी डाल देंगे। अब सबको हम अच्छी तरह से हिला देंगे। आइए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे दोस्तों। दोस्तों मिर्च आप कश्मीरी मिर्च ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये फीकी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल की है। देखिए हमारे तेल में से मसाले में से तेल अलग हो रहा है। अब हम इसमें कर डाल देंगे। अब कर डालने के बाद हम इसे तुरंत हिलाएंगे ताकि हमारा कर्ड है वो कर्डल ना हो जाए। जब तक ग्रेवी में बॉईल ना आए तब तक हम कर्ड को अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं ग्रेवी में अच्छा उबाल आ रहा है, ग्रेवी हमारी बॉईल हो रही है। मैंने इसे सतत हिलाया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे
और हमारा तैयार किया हुआ मसाला जिसे डाल के हम अच्छी तरह से हिला देंगे। आइए ग्रेवी में हम थीपड़ का पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसमें आलू को डाल देंगे और इसे एक मिनट पकाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम गैस बंद कर देंगे और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और अब हम सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जी को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और मैंने सब्जी को हरा धनिया से गार्निश किया है। आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ या फिर पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझसे शेयर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखा ना दोस्तों, हमने कश्मीरी दम आलू को कितना जल्दी से और कितना आसानी से बना के तैयार किया है। दोस्तों आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।